ये कहानी है उन बच्चों की, उन परिवारों के जिनके लिए नसीब नहीं होती शिक्षा, जिनके लिए 2 जून की रोटी भी मुश्किल होती है। मुश्किल होती है सपने को सच करना, और सपना भी वो जिसे देखने के लिए हर कोई तरसता है, लेकिन साधनों के अभाव और गरीबी बहुत कुछ कर देती है। लेकिन इन सब के बीच में ही ऐसी भी स्थितियां आती है कि बहुत सारे लोग इनके साथ में आगे बढ़ चलते हैं, लेकिन कभी कभी जब शिक्षा की बात आती है, इनको पढ़ा लिखा कर कुछ बनाने की बात आती है, तो एक बहुत सारी एक खुशी उस व्यक्ति के मन में, उसकी आत्मा में जब ये जागृत होती है कि मुझे इन बच्चों को भी पढ़ाना है, इनको बच्चों को भी आगे निकालना है, इनको भी कलेक्टर SP बनाना है, तो आवाज आती है। उस शख्सियत का नाम और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक टीचर है जिसने ये बीड़ा उठाया इन बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का। तो आज हम बात करते हैं उस कहानी की, उस शख्सियत की जिसने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया और इन बच्चों के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। ये और कोई नहीं, गवर्नमेंट स्कूल की टीचर है जो इन गरीब बच्चों के लिए काम कर रही है। इनका नाम है शिल्पी शाह। राजस्थान के सिरोही में साधारण से परिवार में जन्मी शिल्पी शाह को बचपन से ही कुछ कर गुजरने का जुनून रहा। जब वे 5वीं-6वीं कक्षा में पढ़ती थी तब भी छोटे बच्चों को सिखाया करती थी। स्कूल स्कूल खेलना और खुद टीचर बनकर बच्चों को पढ़ाना इन्हें अच्छा लगता था। योग्यताएं हासिल करने के बाद इन्हें सरकारी टीचर की नौकरी मिल गई, लेकिन जुनून और जज्बात कम नहीं हुए। कच्ची बस्तियों के गंदे मैले बच्चों को देखकर यह दूर नहीं भागती थी, बल्कि उन्हें गले लगाकर साफ सुथरा रहना सिखा दिया। यही कारण है कि जब यह फुटपाथ पर एक काली पुती हुई दीवार को बोर्ड लगाकर जब क्लास लगाती हैं, तो सभी बच्चे नहाकर ही पढ़ने आते हैं। इनके पास कोई छत नहीं, आसमान छत है और धरती बिछौना। मौसम खराब तो छुट्टी हो जाती है, लेकिन जब नैतिक शिक्षा की बातें गीत कविताओं से सिखाती हैं तो बच्चों के दिलो दिमाग पर छा जाती हैं। कच्ची बस्ती के इन बच्चों को न केवल हिंदी बल्कि इंग्लिश भी उसी तन्मयता के साथ में पढ़ाया जाता है। ये जो गरीब बच्चे हैं इनमें भी बहुत प्रतिभाएं हैं। मैंने कई बार देखा कुछ बच्चे बहुत अच्छा पढ़ना जानते हैं, बहुत अच्छा लिखना जानते हैं, बस उन्हें सुविधाओं की कमी है, और यही सुविधाएं मैं उपलब्ध कराने की कोशिश करती हूँ। इन बच्चों को यह भी पता है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है। साथ ही यह भी सिखाया जाता है कि इस देश का नाम इंग्लिश में क्या है। आज ये बच्चे हिंदी पढ़ भी लेते हैं, पहचानते भी हैं, बोल भी लेते हैं। इंग्लिश को समझते हैं और इंग्लिश को पढ़ने की कोशिश भी करते हैं। इन्हें संस्कार की बातें भी पता है, अपने से बड़ों का किस तरीके से सम्मान करना है ये भी इन्हें आता है। श्री और श्रीमती शब्द के संबोधन के साथ में ही ये अपनी बात भी कहने की कोशिश करते हैं। धन्य इन बच्चों को जो कुछ सीख कर कुछ करने की तमन्ना अपने दिल में संजोए हुए है, और शिल्पी शाह इनके इस मुराद को पूरी करने में पूरी तन्मयता से लगी हैं। मैं एक्चुअली हमेशा से मेरा बच्चा जो है वो प्राइवेट स्कूल में रहा, तो जब वो छोटा था और जब वो बस में बैठकर और स्कूल जाता था तो मेरे घर के सामने कुछ कच्ची बस्तियां भी थी, उनमें जब ये गरीब बच्चे थे तो जब उस बस के पीछे पीछे दौड़ते थे तो मैं उनको देखती थी। मुझे बड़ा तकलीफ़ होती थी, दर्द होता था कि इन बच्चों का क्या दोष है कि इनका ये रहन सहन और या स्कूल नहीं जा पाते हैं और मेरा बच्चा इस तरह से जाता है। एक सपना हमने भी देखा है, एक विश्वास हमें भी है, यूं ही इस तरीके के प्रयास जारी रहे तो निश्चित रूप से इन कच्ची बस्तियों में रहने वाले, इन फुटपाथ पर रहने वाले लोग भी, इनके बच्चे भी निश्चित रूप से भारत के लिए एक बहुत सुयोग्य नागरिक बनकर तैयार होंगे। हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं और वो दिन जरूर आएगा, और हम आपके लिए पत्रिका.com आपके लिए लेकर आता रहेगा इसी तरीके की मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल स्टोरीज जो सच के साथ जुड़ी हुई है, जिसमें एक सपना है और पत्रिका.com उसे हकीकत में बदलने पर उतारू है।